क्रिकेट शायकीन से माजरत खाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम द लास्ट टू मैचेस एंड लीव द पीएसएल ड्यू टू रियल पीसीबी नॉट ऑनरिंग माय कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीड पेमेंट्स। यानी कि मैंने पीसीबी के जो मैचेस हैं पीएसएल के वो नहीं खेले और पीसीबी ने मेरी जो पेमेंट्स हैं वो नहीं की। आई बीन देयर द होल ड्यूरेशन। एंड ये जो जेम्स फॉकनर का जो इशू हो गया है, ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये क्या हुआ है? वो कहता है जी पीसीबी ने पैसे नहीं दिए। आई हैव ट्राइड टू हाइप क्रिएट करेगा ना वो आईपीएल करेगा जी, क्योंकि इंडिया को ये एक मौका मिल गया है। उसके हमारे रिपोर्टर्स जाएंगे जी उसके पास सारे, यकीनन जाएंगे। और ये कोई पता नहीं इन्होंने ना करवाया हो, ये हमेशा से होता नहीं। मैं मतलब ये सीरीज लेना चाहिए, ये इनके देखे ना आईपीएल के मैचेस होती हैं, सीरीज छोड़ के लोग। पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही छोड़कर जाने का फैसला किया है जेम्स फॉकनर ने पेमेंट ना मिलने की वजह से, लेकिन इसका कहीं ना कहीं लिंक निकाल रहे हैं पाकिस्तानी आईपीएल भारत। आप देखेंगे कितना इनका ये बेवकूफ़ लोग हैं, कितने जाहिल लोग हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी ना मतलब किसी भी मुद्दे को भारत से जोड़कर इनका देखना, मतलब ये मुझे लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर चीज़ को भारत से ही जोड़ते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ये क्या हुआ है? वो कहता है जी पीसीबी ने पैसे नहीं दिए। आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पीसीबी, अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बट होपफुली वील हैव। लेकिन ये जो शैंडलियर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इनके फायर में है। तो जेम्स फॉकनर ने कहीं नाराज़गी में एक आउटबर्स के अंदर उन्होंने अपना एक हेलमेट भी उधर मार दिया, उसके ऊपर शैंडलियर के ऊपर एक बल्ला वो भी उसके ऊपर मार दिया। एंड खैर जो बताया गया कि जो इसकी जो रिइंबर्समेंट है पेमेंट की वो करेंगे। और ये देखें वो बाहर खड़े में, एंड इट इज़ क्वाइट अ शॉकिंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन फॉर जेम्स फॉकनर, क्योंकि इनके ऊपर और भी एक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इल्ज़ाम लगे थे कि एक दफ़ा ये अंडर द इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में चला रहे थे गाड़ी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इन पर काफ़ी इनका एक्शन लिया था इस पर। लेकिन उस वक्त इनको एक सस्पेंडेड एक सेंटेंस दे दी थी। ये देख लें आपके सामने, बैंड फॉर 2 years ऑन बिहेवियोरल ग्राउंड्स। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं? अब पीसीबी ने कहा है कि हम एक स्टेटमेंट देंगे इसके ऊपर, एंड एक अब मैं कहूँगा कि एक फुली एक जब स्टेटमेंट, ये देख लें ये आपके सामने, ग्लैडिएटर्स हैव रिग्रेटफुली टेकन नोट ऑफ मिस्टर फॉकनर्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग एक्यूजेशंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देख लें आप पढ़े टू लेफ्ट साइड, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एक्यूजेशंस एंड विल शॉर्टली बी रिलीजिंग अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑन द मैटर। तीन साबिक कप्तान इंतखाब आलम, सलीम मलिक और मिसबाह हक हमारे साथ मौजूद हैं। स्किपर, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक चीज़ हुई है हमारे साथ। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट चीज़ है। देखिए अगर फ़र्ज करें को पेमेंट का मसला था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप तोड़ फोड़ कर दें, फैंगलिए तोड़ दें। और ये भी पता चला है कि जब ये एयरपोर्ट गया है वहाँ पर जो इमिग्रेशन वाले थे उनके साथ भी जाकर इसने बदतमीजी करी। ये कहना कि ही क्रिएटेड यू नो बैड इमेज फॉर हिमसेल्फ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिसने आगे ये बदतमीज़ी करी है। तो मैं समझता हूँ हमें हमारे बोर्ड को भी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें और इसके बाद में इसकी यू नो कंप्लेन करें कि दिस इज़ नॉट ऑन, कि ये जो इसे बदतमीजी करके गया है, डिसग्रेसफुल, क्या कहते हैं, एटीट्यूड एब्सोल्युटली, एंड पर्टिकुलरली इन द लाइट कि अभी ऑस्ट्रेलियन टूर आ रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, बिल्कुल, एंड फॉर एन ऑस्ट्रेलियन टू बिहेव लाइक दैट। लेकिन इन पे जो अभी बताया जो कि जी इन पे पहले इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं, सलीम जी, ये आप देखो मोस्टली जितने भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं इन पे आप देखो ये इन पे अक्सर फाइन्स होते हैं। कभी वो ड्रंक हो के कोई पब में गिरा होता है, कोई ड्राइविंग पे उसको जुर्माने होते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, हमारा बोर्ड तो करेगा ही करेगा, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों को इनको सोचना चाहिए लेने से पहले कि यार ये इसकी रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इनका ऑस्ट्रेलियन की है कि ये हमेशा से इनके मोस्टली आप प्लेयर्स देखो इनके साथ ही ये चीज़ें होती हैं। मुझे याद है इंग्लैंड के किसी प्लेयर ने इस तरह का मिसबिहेव किया था, वो उन्होंने टेस्ट मैच से उसको निकाल दिया था, उसके बाद वापस कमबैक नहीं हुआ था।
बहुत बड़ा नाम था, मुझे उसका नाम इस वक्त भूल रहा है। फ्लिंट ऑफ के साथ पीटरसन पीटरसन के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भी वैसे एक्शन लिए हैं, आप देखें उन्होंने भी पीक पे साइमंड्स को बाहर निकाला था जो कि बहुत बड़ा प्लेयर था। तो ये मेरा मतलब है ऐसे लोगों को जो इस पे तो लेवल 3 का इस पे यू नो एक चार्ज भी है पीजी, ये तो खेल भी नहीं रहे अब, इनका आगे कोई चांस भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इनको तो शुक्र करना चाहिए कि हमें लीग ले रही हैं। अच्छा मैं चलें, ये तो इंसिडेंट हो गया बोर्ड का, ऑब्वियसली यू नो मुख्तलिफ स्टोरीज आएंगी, लेकिन अब ये वापस जाएगा, उसके बाद आईपीएल में आएगा। अब आईपीएल में आई कैन इमेजिन, आई होप नॉट, आई होप सेंस प्रिवेल्स, लेकिन ये वहाँ भी हमें इस तरह पीएसएल को या पीसीबी को ये गंदा करेगा कि देखो उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो भी इसको उछालेंगे, उसको उछालेंगे, वो भी इसको उछालेंगे आगे से, क्यों मुस्पा? लेकिन जाहिर है उन्होंने तो कुछ ना कुछ पर जो भी है कोशिश करेंगे, बट आई थिंक प्लेयर्स को ऐसे करना नहीं चाहिए। आप एक लीग में आए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, और एक अच्छी रिप्यूट अपनी भी आपने छोड़नी है, और उस लीग को भी आप खाम खा इस तरीके से खराब करते हैं, तो आई थिंक बड़ी इरेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें हैं ये। कुछ है इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसको पेमेंट हो गई, इसको फॉकनर को, इसने गलत बैंक अकाउंट दिया, उस बैंक अकाउंट में उन्होंने कहा कि उसने फिर दूसरा बैंक अकाउंट दिया, उसमें पीसीबी ने कहा कि वो पहले पैसे नहीं वापस कर रहे हैं, उसको अप्राइज किया कि भाई वो पहले पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, आप वेट करें, ही लॉस्ट हिज टेंपर, वहाँ उसने हेलमेट मार दी उसको शैंडलियर को। ये दिखाएं जी, कहीं उन्होंने देखा नहीं है शैंडलियर को हेलमेट मार दिए खड़े हुए बाहर, और देखें वो हेलमेट पड़ी भी सामने, वो क्रिकेट बैट पड़ा हुआ है। I mean, this ये कोई इशू है कि आपके अगर गलत अकाउंट में पैसे चले गए हैं तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार वो वापस आएंगे तो आपको देंगे। और इसी ने अकाउंट दिया है जो कि इट्स नॉट इन यूज, ही इज द वन हु गेव द अकाउंट। आई थिंक पीएसएल वाहिद ऐसी लीग है कि जैसा कुछ नहीं हुआ, बड़ा ही क्लियर और बड़ा ही साफ सुथरा काम है यहाँ पे, कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इवन आईपीएल में भी हुए हैं, बीपीएल में हुए हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है हमारे बोर्ड को कि यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यू आर टोटली सिक्योर, 100% सिक्योर है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ करना, ना कोई प्रीवियस ऐसी हिस्ट्री है कि ऐसी कोई चीज़ हो, मुझे लगता है कोई और गुस्सा था जो उन्होंने निकाला है, शायद वो टीम से ड्रॉप हुए थे, खेल नहीं रहे थे, परफॉर्मेंस की वजह से हुए हैं। और देखो 6 मैचेस खेला है, 6 विकेट्स लिए हैं एंड जस्ट 49 रन्स ऑल टुगेदर। ये परफॉर्मेंस पे तो गुस्सा अपने आप पे निकालना चाहिए। आप टीम से बाहर हुए हैं तो गुस्सा आप जो है ना किसी और चीज पे निकाल, वेरी बैड। अच्छा इसका स्केड्यूल क्या होता है, इसका पेमेंट का स्केड्यूल? आई डोंट नो कि अब क्या है, नॉर्मली बहरहाल जो भी आपको एक स्केड्यूल मिलता है कि आपकी इतने परसेंट पहले आएगी, फिर टूर्नामेंट कंप्लीट कितना होगा, इतने परसेंट जब मैचेस हो जाएंगे तो इतनी पेमेंट आएगी, एंड फुल एंड फाइनल 70 तो दे दी है और 30 जो कहते हैं ये बाद में उसको देंगे कल्मिनेशन पे। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि पीएसएल में इट नेवर हैपेंड, कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और पीजे ये सबसे ज़्यादा इसको ना जो हाइप क्रिएट करेगा ना वो आईपीएल करेगा जी, क्योंकि इंडिया को ये एक मौका मिल गया है। उसके हमारे रिपोर्टर्स जाएंगे जी उसके पास सारे, यकीनन जाएंगे, और ये कोई पता नहीं इन्होंने ही ना करवाया हो, ये हमेशा से होता नहीं, मैं मतलब ये सीरीज लेना चाहिए, ये इनके देखे ना आईपीएल के मैचेस होती हैं, सीरीज छोड़ के लोग आईपीएल खेलने चले जाते हैं, तो ये कोई बैद नहीं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको बता दूँ जेम्स फॉकनर काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, लेकिन अब भी मतलब पिछले 5 साल की बात करें तो ये इतने क्रिकेट इतना फेमस रह नहीं गए हैं। आपको याद होगा 2013 में ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आया था तो ईशान शर्मा के एक ओवर में शायद इन्होंने 30 रन मारे थे, जिसके बाद से ईशान शर्मा कभी वनडे क्रिकेट खेल नहीं पाए। और वो मैच अगर आपको बता दूं कि उसमें एमएस धोनी ने सेंचुरी मारी थी, इंडिया के बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे, फिर एमएस धोनी ने सेंचुरी मारी थी लास्ट के बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप करके 300 के पार ले गए थे इंडिया को, और 2 ओवर में शायद 40 या 45 रन चाहिए थे और जेम्स फॉकनर ने आखिरी में बना दिए थे शायद, मुझे अगर अच्छे से याद है तो ऐसा ही कुछ हुआ था। और उसके बाद जेम्स फॉकनर आपको याद होगा कि उन मैचों में लास्ट लास्ट में आकर शतक मार रहे थे, मतलब उस टाइम पर बहुत खतरनाक फॉर्म में थे,
और जिसके कारण इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला और आईपीएल में भी अच्छा खासा खेला, राजस्थान की तरफ से इन्होंने खेला था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आईपीएल में ये काफ़ी समय से बाहर है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी इतनी अच्छी कोई फॉर्म रही नहीं है। 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ये मैन ऑफ द मैच रहे लेकिन उसके बाद से ये मतलब गायब है इंटरनेशनल क्रिकेट से। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे ही क्रिकेटर मिलते हैं जो कि आपको पता है इंटरनेशनली या तो बहुत नीचे जा चुके हैं या तो उन्हें कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों अब इस बारे में क्या बोला जाए कि इनका किसी ना किसी तरीके से जो अगर ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्रिकेटर छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में, लेकिन उसका भी ये लिंक अगर भारत से निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली अब इनके बारे में क्या बोले। ये सलीम मलिक है, सलीम मलिक पर भी आपको पता है फिक्सिंग वगैरह के आरोप लगे हैं। अब खैर वो बात तो करना नहीं है इस वीडियो में क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनका हर मुद्दा भारत तो ये वो फलाना ठिकाना, अब आपको बता दूं कि आईपीएल पाकिस्तान में दिखाया नहीं जाता है मतलब, और पाकिस्तान सुपर लीग भारत में दिखाई जा रही है। देखते हैं इससे एडिशन को, अगर आईपीएल को पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया तो आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हर जगह कैंपेन चलाए कि पाकिस्तान का जो सुपर लीग है भारत में बैन किया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं दिखा रहे हमारे आईपीएल को तो हम क्यों दिखाएं आपको, हम अपना मार्केट क्यों शेयर करें आपके साथ, क्यों हम अपना मार्केट में मतलब पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाएं। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।